बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम इशफाक साहब का जाविया है पार्ट वन, तो उस पर हम करेंगे। उनका टाइटल है महबूब कौन। तो बहुत माशरे का सेंसिटिव मौजू है हमारा, बहुत बारीक बीनी से वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है, उसके साथ वसी तजर्बा। तो एक कोटेशन पहले अशफाक साहब की चाहूँगा आपसे डिस्कस करूँ। वो कहते हैं कि कोई भी रिश्ता जज्बा हो मुश्किल नहीं होता, उसके भी पाँव होते हैं। ये हमारा सलूक और रवैया होता है कि वो रिश्ते कभी हमारे पास आ जाते हैं और कभी दूर चले जाते हैं। तो उन पे स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि ख्वातीनों हजरात, आज मैं आपसे ईद की बात करूँगा, और ईद वो त्यौहार है जिसमें बहुत सी खुशियाँ शामिल होती हैं और उसके साथ छोटी छोटी खुशियाँ पेवंद होती हैं जिनकी लड़ियाँ हमारे माजी से जुड़ी होती हैं, और वो माजी फिर हमें खुशियों की तरफ और गमों की तरफ ले जाता है। तो कहते हैं कि एक दौर होता है कि जब हम छोटे होते हैं और बड़ों की उंगली थाम कर हम ईदगाह की तरफ जाते हैं और बहुत एहतियात से और ख़ुशी से जाते हैं। फिर कहते हैं वक्त बदलता है, हम बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, फिर हम अकेले अकेले ही ईदगाह की तरफ जाने लगते हैं। फिर कहते हैं वक्त यही होता है, फिर करवट बदलता है, फिर हम इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर बच्चे हमारी उंगलियां थाम कर हमारे साथ चलते हैं। तो कहते हैं कि ऐसी ही खुशियों का आज मेरे पास एक रिव्यू आया है, जहन में आया है, याद आई है। कहते हैं ठीक 22 बरस पहले तब मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। कहते हैं कि हम ईद जब भी पढ़ते हैं तो फिर हम अपने नमाज के बाद अपने दोस्तों हल्का अहबाब से मिलते हैं। मुआनका कहते हैं जिस तरह हम तीन मरतबा ईद मिलते हैं तो मुआनका करते हैं। तो कहते हैं ठीक 22 बरस पहले मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी थी, तो उसमें जितने भी मेरे जानने वाले थे तो सबके साथ मैंने मुआनका किया था। मगर कहते हैं कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं बज़ाहिर हम उनसे मुंसलिक नहीं होते, मगर गैर दानिस्ता तौर पे और इनडायरेक्ट तौर पे हमारे साथ वाबस्ता होते हैं, और वो रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका हमारे ऊपर एहसान होता है और वो एहसान बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता। ऐसा ही एक एहसान मुझे याद आया कि थानेदार साहब एक सिपाही को रात को हमारे इलाके में भेज देते थे और वो सीटी बजाते थे, साइकिल पे चलते थे, तो चोरी चौकीदार हो जाती थी और वहाँ हमारे इलाके में चोर चकार नहीं आता था। तो मॉडल टाउन अपना इलाका बताते हैं। कहते हैं मैं जैसे ही मस्जिद से निकला तो मैंने लोगों से पूछा कि हमारे मॉडल टाउन का थाना कौन सा लगता है, तो मालूम हुआ गाड़ी मैंने घर से निकाली, घर पर नहीं गया और सीधा ही मैं थाने की तरफ चल निकला। कहते हैं कि थाने के अंदर जैसे मैं घुसा तो एक हूक आलम था, कोई नहीं था, सब जवान नमाजों पे निकल चुके थे, सिर्फ एक थानेदार साहब सामने नज़र आए और वो अपने पांव टेबल पर रखे हुए और सिगरेट अपनी उंगलियों में दबाए हुए और चुटकी से उसको इशारा देते हुए वो फूंक रहे थे और धुआं आसमान की तरफ जा रहा था। तो मैं जैसे दाखिल हुआ तो मैंने कहा अंदर आने की इजाज़त चाहूं, तो उन्होंने मुझे देखकर कहा जी आइए, फरमाइए क्या काम है। कहा कि जनाब आली कहा करते हैं थानेदार साहब, तो उन्होंने कहा कि जनाब आली क्या काम है। तो मैंने कहा मेरा कोई भी काम नहीं है। उन्होंने पांव नीचे उतारे, सिगरेट को साइड में रखा और कहा यह हो ही नहीं सकता कि थाने में कोई भी बंदा आए और उसका काम न हो। तो मैंने कहा आप यकीन मानिए कि मेरा कोई भी काम नहीं है। कहा कि फिर, मैंने कहा बस दिल चाहा था कि आपसे ईद मिलने आऊँ। तो उन्होंने ख्याल को इधर उधर फेर के कहा अच्छा ठीक है, वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत की, उसके आगे बढ़ा, मैंने कहा इस तरह थानेदार साहब काम नहीं चलेगा, ईद तो आपको मुझसे मिलनी पड़ेगी। तो मोटे ताज़े तगड़े थानेदार साहब थे, उन्होंने मुझे ऊपर देखा तो मैंने हिम्मत करके तीन जो फूल उनके लगे थे तो शोल्डर से हाथ को पकड़ा और उनको उठाया, उठाकर मैंने एक ज़ोर से झटकी मारी। जब मैंने मौन का एक किया फिर दूसरा किया तो मुझे सिसकियों की आवाज़ सुनाई। जैसे ही मैंने थानेदार साहब को सामने देखा तो वो धाड़े मारकर रो रहे थे, कह रहे थे कि साहब मुझे सर्विस किए हुए 22 साल हो गए हैं, आज तक 22 साल में किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की या ये जरूरत नहीं की या ये जोश नहीं दिखाया, अपनायत नहीं दिखाई कि वो मुझसे ईद के दिन ईद मिलने आए। हम तो पुलिस वाले तो जैसे अछूत हैं, छिंडाल हैं और लोगों से परे रहते हैं, नफ़रत अंगेज़ हैं, तो कोई हमारे करीब नहीं आता। तो अब आप आए हैं तो बैठकर चाय पी कर ही जाइए। तो इशफाक साहब कहते हैं कि ये महबूब हैं, ये मोहब्बतों के गैर हैं, खुला है जो हम आपस में दूर करते जाते हैं। जब हम मोहब्बत से किसी के पास बढ़ेंगे नहीं
तो वो महबूब फिर हमारे पास किस तरह आएगा। कहते हैं यही सोच मेरी थी काफ़ी दिनों तक, तो मैंने कहा कि पुलिस और आवाम को आपस में किस तरह मिलाया जाए, उनका खुला किस तरह दूर किया जाए, ये मोहब्बतें हम किस तरह समेटें। तो कहते हैं कि अल्फला का इलाका है और एक कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई तो सारे अफसरों को मैंने बुला लिया, उसमें DSP SP साहब छोटे सिपाही सारे मैंने बुला लिए। उसके बाद माशरे के अहम अफराद को बुलाया, जैसे दानिश्वर सहाफ़ी मेरे दोस्त जो भी थे सबको बुलाया। तो हमने तकरीर और मंडप सारा सजाया, डाइस वगैरह हमने लगाई। तो कहते हैं कि उस वक्त मैंने देखा सारे सिपाही और पुलिस वाले अच्छी सी स्त्री शुदा कमीज़ें पहन कर आए थे, अपनी शानदार वर्दी में आए थे, चमके हुए बूटों के साथ आए थे और अपने चेहरे को मालिश किए हुए अच्छे अंदाज से आए थे। सब खुश खुश बैठे थे, बहुत अच्छा पुरफजा मकाम के तौर पर और अच्छा एक माहौल था। तो जैसे ही हुआ शुरू तो सब आपस में हम मिले। तो कहते हैं मैंने एक वाक़या सुनाया, अब सुने बड़ा ज़बरदस्त वाक़या। कहते हैं मैं इंग्लिस्तान में था, अब इशफाक साहब वाक़या बता रहे हैं पुलिस वालों को मोहब्बतों के रबते का। कहते हैं मैं जब इंग्लिस्तान में था तो एक बोबी वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला था, अंग्रेज़ था, तो उसकी बड़ी खूबी ये थी कि वो जब भी इशारे पर ट्रैफिक पुलिस पर खड़ा होता था तो कोई भी गुजरे, कोई भी उससे सलाम करे या कोई भी उससे अलग सलेग करता था तो वो उसे काफ़ी दे देता था। हद ये होती थी कि कोई अगर किसी उसका पता पूछ ले तो वो उसको पता बता कर भी वो टॉफी जेब से निकाल कर देता था। तो कहते हैं मैं अक्सर वहाँ खड़ा होता था उसी चौराहे पे। तो एक मरतबा कहते हैं हमारी पाकिस्तानी एक बुढ़िया पढ़ी लिखी नहीं थी, वो आके उनके पास खड़ी हो गई, ट्रैफिक का सिग्नल जैसे ही बंद हुआ वो उसके साइड पे वहाँ खड़े हो गए और मैं भी उनके साथ खड़ा हो गया। तो उसने कहा के बाबू मुझे बरहमी गांव का पता बता दो। अब वो ठहरे अंग्रेज़, ये पंजाबी में इनसे बातें कर रही थी तो कम्युनिकेशन कुछ मुश्किल थी, तो मैंने बीच में इंटरप्ट करके उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि मुझे बरहमी गांव जाना है। तो बहुत मेहनत करने के बाद हमें पता चला कि उन्हें बरहमगम जाना था, तो उनका बेटा वहाँ था। अब मुश्किल ये थी कि वो लंदन इंग्लिस्तान में आई है, बरहमगम किस तरह का। तो कहते हैं वो भी जो ट्रैफिक पुलिस वाला था उसने कहा साहब मैं इसको ले जाऊँगा, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ एक बजट एलोकेट होता है और वो किसी मुश्किल के लिए होता है, क्योंकि ये मुश्किल में है तो मैं ले जाऊँगा, अगर इसके बेटे ने पैसे दिए तो ठीक, वरना मैं सरकार को अपनी गवर्नमेंट को ख़त लिखूँगा और वो वहाँ ला दूँगा। अशफाक साहब कहते हैं कि मैंने उनको बताया कि आपको इस तरह का पुलिस वाला बनना है, आपको लोगों को मुश्किलों से निकालना है और उनके लिए सहूलतें पैदा करनी हैं, और हम भी उन महबूब की तरह, उस महबूब की तरह हो जाएंगे जो महबूब खुद ब खुद किसी से मिलने आता है। कहते हैं उसके बाद बहुत सी तकरीरें हुई तो मेरा एक दानिश्वर दोस्त आया और उन्होंने तकरीर शुरू की और उन्होंने कहा कि आज तो बहुत बड़ा अच्छा मौका है, हमें पुलिस वालों के साथ खुल कर मिलने का मौका मिला है, तमाम अफसरान एक ही जगह बैठे हुए हैं और हमारी उनसे मुलाकात हुई है। तो उन्होंने एक सवाल किया, मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आजकल रिश्वत का रेट क्या चल रहा है। ये कहना था कि सारे पुलिस वालों के चेहरे बुझ गए और वो उठने लगे और मुझे कहा कि अशफाक साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें यकीन था कि हम यहाँ जलील व ख्वार होने आएंगे और हमें इज्जत नहीं मिलेगी। मैंने बहुत समझाया मगर सब के सब वहाँ से चले गए। उसके बाद वही दानिशर दोस्त ने कहा कि देखा ये लोग इज्जत के लायक नहीं हैं, ये इसी जुमले और खातर तवाज़ों के लायक हैं, और वो मोहब्बत का जो गैप था वो गैप रह गया, मैं उस खुला को पूरा नहीं कर सका। अब ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये कसूर उनका है या इनका है, एक गैप है जो महबूब की तरह हमें आपस में बिछड़े हुए रखा है। तो कहते हैं कि हम मोहब्बत से किसी की तरफ देखते ही नहीं हैं, हम एक दूसरे से नफ़रतों से करते हैं, हमने जो ख्याल जहन में रखा है वो इसी तरह किया है, मगर मेरी मेहनत पर उसने पानी फेर दिया, मगर अब भी मैं पुरउम्मीद हूँ कि एक वक्त आएगा हम एक दूसरे को समझेंगे और ये मोहब्बतें आपस में हमारी चलती हैं। आपका बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत टॉपिक लाए हैं।